हमारे लिए तो मुंबई जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी ना। मैं यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर के ही पास एक गांव पड़ता है देवरिया। मेरी पैदाइश वहाँ की है। मेरी पढ़ाई लिखाई से लेकर के कॉलेज, हाई स्कूल वगैरह सब वहीं से हुआ। पर जब से मैंने होश संभाला है, वो चीज़ जो हमेशा से जहन में रही है वो ये थी कि यार अभिनय करना है, एक्टिंग करनी है सीरियल में। इस घर से जाने का फैसला किसका था अर्चना? तुम्हारा था ना? फिर आज क्यों आया? सिनेमा करना है ये बड़ा होता था। कढ़ाई में मकई को डाल के जब भूजा जाता है तो बहुत आवाज करता है, जानते हो काहे? काहे कि उसकी फटरी होती है। तो मुझे याद है उस वक्त की बात कि गांव से तकरीबन 30-35 किलोमीटर के लगभग एक सिनेमा घर था। तो उस समय वहां पे फिल्में लगती थी, तो हम लोग जाते थे उसी धूप में, घाम में ऐसे पैदल निकल जाते थे, क्योंकि वो एक लालसा होती थी फिल्म देखने की, यार फिल्म लगी है, फिल्म देखना है। एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी से याद है कि उस वक्त जब हम लोग निराश हो जाते थे, हताश हो जाते थे, यार कैसे होगा, क्या होगा, मुंबई जैसा शहर और ये सारी चीज़ें, तो मैं अपने दोस्तों के साथ या अकेले में ऐसे दरिया किनारे, नदी किनारे ऐसे बैठता था और सोचता था कि यार मुंबई जाऊंगा, स्ट्रगल करूंगा, अपनी किस्मत एक बार आजमाऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं बैठ करके अकेले में ऐसे सोचता था कि मुंबई जाऊंगा तो कैसे लोग मिलेंगे, कितनी रफ्तार भरी शहर है वो, कैसे हम एडजस्ट करेंगे खुद को, क्योंकि हमारे लिए तो मुंबई जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी ना, क्योंकि कभी उतना खास ताल्लुकात रहा नहीं उस शहर से। तो जब ऐसे गांव में होता था कि फलाना गए हैं मुंबई कमाने, तो जब वो कमा के आते थे गांव, तो मैं और मेरे दोस्त हम लोग जाते उनके पास पहुंचते कि अरे यार बताओ ना यार कैसा है मुंबई, वहाँ की इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, और ऐसी सारी बातें होती थी मुंबई के बारे में। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो कनेक्शन ही कभी नहीं बन पाया मुंबई से। और मुंबई का जो डर मन में था वो हटाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आगे की पूरी लाइफ वहीं होने वाली थी। अभिनय में तो हमेशा से रुचि थी ही। तो उस टाइम हम लोग देखते थे हमारे टाइम के एक्टर्स को, जैसे एक बड़े ही कमाल के एक्टर थे इरफान साहब। नहीं, 18 की उम्र में अपनी लाइफ खुद बनाओ, अच्छी बात है, जोश है, बनाओ, लेकिन किसी टाइम पे वापस भी तो आ जाओ। ये क्या बात हुई, 18 साल तक तो अपने माँ बाप को यूज किया, उसके बाद फ्रीडम के नाम पे आप अपना देखो जी, हम अपना देखें। उनकी परफॉर्मेंसेस को देख के लगता था एक वो एक्यूरेसी, एक वो परफेक्शन ऐसे झलकता था। पीछे जो बाप था उससे मैं कभी मिला ही नहीं, इसलिए लोगों को बोलता हूँ मैंने अपने बाप को देखा ही नहीं। तो जब हम लोग इरफान साहब को पढ़ते थे, उनके प्लेस देखते थे, उनके थिएटर के नाटक देखते थे, उनके निभाए गए किरदारों को देखते थे, समझते थे, पढ़ते थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी। साथ में नसीर साहब के जब हम लोग इंटरव्यूज देखते थे, जब वो स्टेज पे आते थे और बात करते थे एक्टिंग के बारे में, एक्टिंग की एक एक बारीकियों को समझाते थे स्टेज पे, और इतनी हूबहू वो हंसी मजाक से ऐसे समझा देते थे कि पता ही नहीं वो चलता था इन सब चीज़ों के बारे में, अभिनय की एक एक बारीकियां वो सिखा देते थे। और नसीर साहब को भी अब पढ़ा हम लोगों ने तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई उनकी ज़िंदगी के बारे में। ऐसे ही ओम पुरी साहब थे, अमरीश पुरी साहब थे, आशुतोष राणा सर थे जिनको हम लोग देखते थे उस टाइम। तो इन सब की जर्नी में एक चीज़ बड़ी कॉमन मिलती थी कि ये सब के सब एनएसडी पास आउट हैं, जिसको हम आज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नाम से जानते हैं, जो कि बेसिकली एक
थिएटर है, और जब हम लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए, लर्निंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए, तब समझ में आया कि यार एज एन एक्टर करने को कितना सारा काम है, डिक्शन एंड स्पीच अपार्ट फ्रॉम डायलॉग डिलीवरी एंड दिस आर वेरी बेसिक थिंग, इन सब चीज़ों के परे जाके बहुत सारी चीज़ें थी एज एन एक्टर करने को। तो जब पता चला कि थिएटर जैसी कोई चीज़ होती है, फिर ऐसे ही कोई ग्रुप हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया और थिएटर करना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पे अलग अलग किरदारों को जिया, अलग अलग थिएटर के प्लेस किए, थोड़ी मोड़ी एक्टिंग की बारीकियाँ सीखी और एक प्रॉपर स्टार्ट दे दिया एक जर्नी को। और मुझे लगता है कि थिएटर का होना एक अभिनेता के जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि थिएटर अपने आप में ही एक लाइफ है, अपने आप में ही एक जीवन है। क्योंकि वो थिएटर में आना, उस एनवायरनमेंट में आना, उस ऑरा में आना और उस एस्थेटिक को फील करना, वो एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, एमिट करना, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट करती है, मैटर करती है एज एन एक्टर। क्योंकि हम लोग बहुत खुद को एस्टेब्लिश करते हैं, बहुत ग्रूम अप करते हैं, और एक बहुत ही बड़ा थ्राइविंग पॉइंट होता है वो हर एक्टर के लाइफ में। क्योंकि वहाँ पे हम लोग एक एक माइनॉरिटी सीखते हैं, छोटी छोटी माइनर चीज़ें हम लोग वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं एक्टिंग के बारे में, हर एक एक चीज़ के बारे में। तो वो थिएटर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है एज एन एक्टर आपको। हालांकि जब हम लोग मुंबई आए तो मुझे याद है शुरू के 3-4 दिन हम लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पाए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा रफ्तार था इस शहर में, इतनी तेज़ी थी इस शहर में कि हम लोग को लगा कभी हम लोग एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे। पर यहाँ आने के बाद में एक चीज़ और समझ में आई कि यहाँ आने के बाद सिर्फ स्ट्रगल नहीं था, स्ट्रगल के बाद में एक और चीज़ थी जो कि थी सर्वाइवल। तो हम लोग ऐसे सर्वाइवल के लिए ही छोटी मोटी नौकरियाँ करते थे यहाँ वहाँ, जिससे हम लोग अपना खर्चा निकाल सके। बहुत सारी चीज़ें होती थी उस वक्त, हम लोग ने बैकग्राउंड आर्टिस्ट का काम किया, जूनियर आर्टिस्ट का काम किया, कभी कभी बैकग्राउंड डांसर का काम किया, बहुत ही ऐसे अलग अलग काम किए खुद को सर्वाइव करने के लिए। ऐसे ही हम लोग अपना बैग पैक करके सुबह निकलते थे, बैग में ट्रिमर कपड़े हर चीज़ लेके ऑडिशन देने के लिए आरामनगर में। कभी इस गली जा रहे हैं, कभी उस गली जा रहे हैं, एक गली से निकल रहे हैं तो दूसरे गली जा रहे हैं, गली गली में भटक रहे हैं ऑडिशंस के लिए। और जब ऑडिशन देने पहुँचते थे उस लोकेशन पे, तो पता चलता था कि ऑडिशन है ही नहीं, नो ऑडिशन का बोर्ड लगा देते थे, तो वहाँ से खाली हाथ जाना पड़ता था। कास्टिंग के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, थिएटर के नाम पे, एक्टिंग के नाम पे, उनसे बचना एक अलग ही एक अपने आप में एक संघर्ष था। पर इन सारी चीज़ों का होना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, और थिएटर का होना इनके साथ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थिएटर एक वो अवेयरनेस लाता है आपके लाइफ में जिससे आप इन सारी चीज़ों से बचते हो।